हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता ममतानाथ ट्यूटोरियल आज 11th क्लास में लेक्चर 10 है ये और हम एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं आज क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर वन पॉइंट वन की पावर समथिंग और वन थाउजेंड ये सेम एग्जाम्पल है जो हमने पिछले से पिछले लेक्चर में आपके साथ ने डिस्कस किया था आप उसी के बेस पे करना इसको बिल्कुल इजी है निकल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए फाइंड फाइंड ए प्लस बी की पावर फोर माइनस ए माइनस बी की पावर फोर ये निकालना है फोर इवेलुएट करना है रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर फोर माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर फोर पहले इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर उसको इवेलुएट करना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी इसको एक्सपेंशन को सोल्व करेंगे ए प्लस बी की पावर फोर को सोल्व कीजिए फोर सी जीरो ए की पावर फोर प्लस फोर सी वन ए की पावर थ्री बी प्लस फोर सी टू ए की पावर टू बी की पावर टू प्लस फोर सी थ्री ए बी की पावर थ्री प्लस फोर सी फोर बी की पावर फोर सेम चल रहा है ए की पावर फोर है थ्री है टू है वन है और जीरो है सेकेंड की वैल्यू जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है सेकेंड टर्म क्या है ए माइनस बी की पावर फोर इसमें बताया था जब माइनस का साइन हो तो अल्टरनेट साइन चेंज हो जाते हैं फोर सी जीरो ए की पावर फोर माइनस फोर सी वन ए की पावर थ्री बी प्लस फोर सी टू ए की पावर टू बी की पावर टू माइनस फोर सी थ्री ए बी की पावर क्यूब प्लस फोर सी फोर बी की पावर फोर बट हमें वैल्यू क्या निकालनी थी ए प्लस बी की पावर फोर माइनस ए माइनस बी की पावर फोर इसमें से इसको माइनस करना है पहले फर्स्ट की टर्म लिखिए फोर सी जीरो ए की पावर फोर प्लस फोर सी वन ए की पावर थ्री बी प्लस फोर सी टू ए की पावर टू बी की पावर टू प्लस फोर सी थ्री ए बी की पावर थ्री प्लस फोर सी फोर बी की पावर फोर माइनस ये टर्म लिखनी यानी कि सबके साइन चेंज प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस ये माइनस है तो प्लस फोर सी वन ए की पावर थ्री बी प्लस का साइन था चेंज ए स्क्र बी स्क्वेयर माइनस है तो प्लस ए बी क्यूब और प्लस है तो माइनस अब इसको सॉल्व किए जो कटते हैं काट दीजिए एक की पावर फोर कैंसिल आउट एक प्लस का था एक माइनस था ए की टू भी कैंसिल आउट और बी की पावर फोर भी कैंसिल आउट टू टाइम्स ये टर्म्स दो बार है क्या आया है फोर सी वन ए की पावर क्यूबी प्लस फोर सी थ्री ए बी की पावर थ्री इसको सिंप्लीफाई कीजिए टू फोर सी वन की वैल्यू फोर ए क्यूबी प्लस फोर ए बी क्यूब कुछ कैंसिल बाहर आ सकता है फोर बी ए बी 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 फोर टू जॉ एट ए बी अंदर है ए स्क्र प्लस बी स्क्र हमने इस पूरी टर्म को जब सिंपलीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया एट ए बी ए स्क्वेयर प्लस स्क्र अब हमें वैल्यू तो निकालने किसकी है रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर फोर माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री की पावर फोर ए को किससे रिप्लेस कर दीजिए रूट थ्री से बी को किससे रिप्लेस कर दीजिए रूट टू से ए की वैल्यू रूट थ्री बी की वैल्यू रूट टू ए की वैल्यू रूट थ्री प्लस बी की वैल्यू रूट सॉल्व कीजिए एट रूट सिक्स और out, 3 5, 5 the, 8, the, 6, ये कैंसिल आउट थ्री टू जा फाइव फाइव फोर एट फाइव जा फोर्टी रूट सिक्स ये आंसर आया है एट ए प्लस बी स्क्र हमने ए की वैल्यू रखी है बी की वैल्यू है आंसर क्या आया है फोर्टी रूट सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेम है बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी हमने पहले किया है बट इकरा देते हैं आपको सारे जैसे एग्जाम्पल थे वैसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन शो करना है नाइन की पावर एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन सिक्सटी से डिविजिबल है यानी कि किसके इक्वल आना चाहिए सिक्सटी फोर के के कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है कोई भी नंबर मतलब फाइव से डिवाइड है मतलब गिवन नंबर क्या है फाइव का मल्टीपल है ये 64 से डिवाइड है मतलब ये 64 का कुछ ना कुछ मल्टीपल है उस मल्टीपल को हमने क्या नाम दे दिया है के सॉल्व करते हैं वन प्लस की पावर एन का फॉर्मूला क्या था एन प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए की पावर टू प्लस एन सी एन ए की पावर एन तो हमें यहाँ पे एन नहीं है हमारे यहाँ पे क्या है एन प्लस वन तो एन को किससे रिप्लेस कर दो एन प्लस वन से एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन एक्सपेंशन वही रहेगा अब यहाँ पे a की वैल्यू हम क्या रखें कि आ जाए नाइन की पावर n प्लस वन वन प्लस एट हमने क्या करा है एन प्लस वन सी जीरो ए को रिप्लेस कर दिया है एट से प्लस एन प्लस वन सी टू एट की पावर टू प्लस आगे क्या है अदर पॉजिटिव टर्म अदर पॉजिटिव टर्म्स ये हाईएस्ट टर्म आ सकती है सॉल्व कीजिए नाइन की पावर एन प्लस वन ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास वन प्लस इसको खोलेंगे वैल्यू एन प्लस वन साथ में क्या है एट इसको खोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है एट एट जा, 64 यानी कुछ ना कुछ सिक्सटी फोर का मल्टीपल ही आएगा एट की पावर बढ़ती ही जाएंगी तो हम एट की पावर टू तो सबसे कॉमन ले सकते हैं नाइन की पावर एन प्लस वन वन प्लस एट एन प्लस एट प्लस सिक्सटी फोर और इसको हमने क्या नाम दे दिया के सोल्व कीजिए एट एन प्लस नाइन प्लस सिक्सटी फोर के अकॉर्डिंग टू आंसर दोनों के साइड चेंज करेंगे एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इक्वल टू सिक्सटी फोर के वही आ गया कि ये क्या है 64 का मल्टीपल है मतलब कि 64 से डिवाइड हो रहा है यहां कंफ्यूज नहीं होना है एट यहाँ पे 8 0 था यहाँ पे 8 की पावर 1 थी यहाँ पे 8 की पावर 2 है यहाँ पे 8 की हाईएस्ट पावर जाएंगी हमने सब में से 8 की पावर 2 को कॉमन ले लिया हमने 64 को कॉमन ले लिया क्यों ले लिया क्योंकि हमें इसको 64 से ही डिविजिबल दिखाना था एंड द लास्ट क्वेश्चन और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है प्रूव करना है समीशन थ्री की पावर आर एन सी आर आर की वैल्यू फ्रॉम जीरोक्वल टू फोर की पावर एन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे वन प्लस ए की पावर एन इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए की पावर टू अप अपू एनसी की पावर एन ए को किससे से रिप्लेस करते हैं थ्री से क्योंकि थ्री में बन जुड़ा फोर फोर की पावर एन चाहिए तो ये क्या आ जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू थ्री प्लस एन सी टू इंटू थ्री की पावर टू प्लस एन सी एन थ्री की पावर एन फोर की पावर एन ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू बन रही है समीशन एन सी जीरो है वन है टू है कहां तक है एन तक है हमने आर लिख दिया और आर की वैल्यू जीरो से कहां तक है एन तक है और थ्री की वैल्यू भी कहां पे है यहाँ पे जीरो है यहाँ वन है यहाँ टू है थ्री की वैल्यू भी क्या है एन समीशन का मतलब एन सी आर जब तक आर जीरो से लेकर एन तक है इन सब का क्या है जोड़ ये कुछ नहीं है सबका जोड़ है एन सी जीरो से लेकर कहां तक एन टर्म्स का जोड़ है N, C, हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में सॉल्यूशन लेना ना भूलें आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू